हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनैन और स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास ट्यू प्लस में। आज हम लोग मैथ्स के सेशन में प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस के टू पार्ट्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। पार्ट वन जिसमें हमने डिस्कशन किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्ट टू में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे जो कई प्रीवियस ईयर में जनरल एग्जाम्स में आ चुके हैं, खासकर बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और अदर जो भी आप एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स, उसमें आ चुके हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वे भी इस तरह के वीडियोज का लाभ उठा सकें। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ सीपी ऑफ 7 ट्राउजर इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 ट्राउजर देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए क्या बोला गया, 7 ट्राउजर का क्रय मूल्य 5 ट्राउजर के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यदि आप लिखेंगे सीपी का 7 टाइम्स इक्वल टू एसपी का 5 टाइम्स, इस पूरे स्टेटमेंट का, यहाँ से इस स्टेटमेंट तक का मीनिंग ये हुआ सीपी का 7 टाइम्स इक्वल टू एस पी का 5 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए, यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, यदि ये कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 5:7। दैट इज आपने यदि 5 यूनिट का कोई सामान खरीदा होगा तो 7 यूनिट में आपने बेचा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का, 2 रुपीज का। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100 करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो 2 बाई आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, तो इंटू 100। तो ये परसेंटेज जो बन के आएगा, देखिए 5 से 100 को कैंसिल कर दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 20 का 2 टाइम्स 40%, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो टेक्निक ये है, एक और टेक्निक है जिसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड टेक्निक, ये फर्स्ट टेक्निक आप समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट टेक्निक हमने आपको बताया है कि फर्स्ट टेक्निक है। सेकेंड टेक्निक क्या है, सेकेंड टेक्निक ये है कि आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लें, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लें और यहाँ पे नंबर्स लिख लें। देखिए बोला गया है कि इक्वल है, ठीक है, जहाँ पे ये इक्वल वर्ड यूज करें, सी पी ऑफ 7 ट्राउजर इज इक्वल टू एस पी ऑफ 5 ट्राउजर्स, दैट इज यहाँ पे कॉस्ट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कॉस्ट तो इक्वल ही होगा। तो सेकंड मेथड ये है कि यहाँ पे आप नंबर्स लिख लीजिए, तो सीपी में नंबर्स कितने थे, 7, और एसपी में नंबर थे 5, कॉस्ट में दोनों के लिए 1 आप एज्यूम कर सकते हैं, तो 1:1 हमने एज्यूम कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको टाइम ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है समझने के लिए, तो इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो 5 और ये हो गया 7, यानी 5 रुपीज में यदि आपने कोई सामान खरीदा होगा तो उसको 7 रुपीज में आपने बेचा होगा, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट 2 रुपीज का हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज अभी हमने कैलकुलेट करके देखा है, 2/5 × 100 कर देंगे, तो 2/5 × 100 यदि आप कर देते हैं तो ये आपका जो कैलकुलेशन होगा वो हो जाएगा 40%। ये हमने यहाँ पे दिखाया है तो आप यहाँ से आप देख भी सकते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ मैन बाय सेलिंग 20 आर्टिकल्स अर्न प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। बोला गया 20 लेख बेचकर एक आदमी 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, तो इसका मीनिंग हुआ कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स प्लस सीपी ऑफ 5 आर्टिकल्स, इसका मीनिंग ये हुआ। दैट इज टोटल जो होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। मेरी बात को ध्यान समझ लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। तो यदि हम लोग इस हिसाब से देखें तो हम लोग यहाँ पे वही लिख लेते हैं, सीपी और एसपी लिख दिए, यहाँ पे नंबर्स लिख लिए। अब नंबर्स लिख दिए तो यहाँ पे सीपी में नंबर्स कितने होंगे, 20, ये 20 और ये 5, तो 20 और 5 ऐड करके कितना हो गया, 25। एसपी में नंबर्स कितना हो गया, 20, दोनों इक्वल हैं तो हमने अभी क्या बताया, इक्वल हैं तो कॉस्ट के लिए 1:1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से 20 यहाँ पे हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 हो गया। अब देखिए 20 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया, माइनस कर दीजिए तो प्लस 5 हुआ, यानी 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और 5 रुपीज का प्रॉफिट कितने पड़ा इस 20 रुपीज पे,
तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना निकल गया होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज आप बता सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 कर देंगे। तो देखिए आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से 1 और ये 4, 1 बाय 4 होता है 25%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 25% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 12 शर्ट्स अ मैन गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल एंड गेट्स रुपीज 8,500, देन व्हाट इज द सीपी ऑफ 9 शर्ट्स। अब देखिए यदि इतना पहले वाला यदि क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा तो ये भी क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका जो नेट सेलिंग बन रहा होगा वो क्या होगा, सीपी ऑफ 12 शर्ट्स प्लस, यहाँ पे आर्टिकल की जगह पे शर्ट्स होगा ये ध्यान रखेंगे, प्लस 5 शर्ट्स, दैट इज कितना हो गया, तो 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17। तो दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 12 शर्ट्स का सेलिंग प्राइस है वो भी 8,500 है और ये 17 शर्ट्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 8,500 है। तो आसानी से आपका आंसर पता चल गया, 17 शर्ट्स का यदि आपका कॉस्ट प्राइस पता चल गया, सीपी पता चल गया कि रुपीज 8,500 है, तो आप ये बता सकते हैं कि 9 शर्ट्स का सीपी जो होगा वो कितना होगा, रुपीज 8,500 इंटू 9 अपन 17, 17 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा 500, और 500 का 9 टाइम्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,500 रुपीज। तो ये 4,500 रुपीज आंसर हो गया। देखिए हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट भी कैलकुलेट करके बता सकता था, लेकिन आपको समझने के लिए हमने ये सब कैलकुलेशन करके दिखाया कि आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर लें आप, तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को, जब क्वेश्चन को जो थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है उसे आपको समझने की जरूरत होती है, उसका उसको कंक्लूड कर देने की जरूरत होती है। यदि आप उसको कंक्लूड कर लें उस तो आप बहुत ही इजीली कुछ सेकंड में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से देखिएगा वीडियो को, पॉज करके थोड़ा बैक करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन बाय 6 पेन एट रुपीज 15 एंड सोल्ड 5 पेन एट रुपीज 12, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। बोला गया क्या, एक व्यक्ति 6 कलम रुपया 15 की दर से खरीद कर 5 कलम 12 रुपया की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पे दर दिया गया, दर का मतलब रेट समझ रहे हैं ना, कि जब भी कोई आपको 15 रुपीज दे रहा है, ठीक है, जब भी वो 15 रुपीज दे रहा है तो उसको कितने पेन मिल रहे हैं, 6 पेन मिल रहे हैं, और जब भी उस शॉपकीपर उस आदमी को जब कोई 12 रुपीज दे रहा है तो वो 5 दे रहा है। जैसे हम लोग मार्केट में देख लीजिए, जैसे आप लोग गोलगप्पे या ये सब खाते होंगे, तो गोलगप्पे या पानी पूरी जो भी आप खाते हैं तो उसमें देखिए उनका रेट फिक्स होता है कि मिनिमम तो 10 रुपीज का आपको देंगे, तो 10 रुपीज के हो सकता है 10 दें, या कोई 10 रुपीज का 2 दे, या कोई 10 रुपीज का 5 दे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम लोग कैसे डील करेंगे ये देखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या समझेंगे कि वो जितना खरीदा होगा उतना ही वो भेज देगा पूरा, तभी हम जाके उसका नेट प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, या फिर हम लोग किसी एक यूनिट पे सेम यूनिट पे ही कैलकुलेशन होता है। तो इसके दो मेथड मैं बताऊंगा, पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। पहला मेथड देखिए, यदि 6 पेन का मैं सीपी लिखूं, 6 पेन का सीपी कितना है, तो 6 पेन का सीपी है रुपीज 15। तो मैं ये कर सकता हूँ, 1 पेन का सीपी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो 1 पेन का जो सीपी आएगा, 1 पेन का जो सीपी आएगा वो कितना होगा, रुपीज 15 डिवाइडेड बाई 6। तो रुपीज 15 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 3 से कैंसिल होगा, तो 3 से 5 और 3 से 2 हो गया, दैट इज रुपीज 2.5। अब देखिए यहाँ पे 5 पेन को 12 रुपीज में बेचा जा रहा है, तो 5 पेन का यदि मैं ऐसा लिखूँ, 5 पेन का जो SP है सेलिंग प्राइस है वो है रुपीज 12, 5 पेन का सेलिंग प्राइस 12, तो 1 पेन का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो रुपीज 12 बाई 5। तो रुपीज 12 बाई 5 कितना हो गया, रुपीज यहाँ से देखिए 2.4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, तो यहाँ से आपको देख रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे लॉस हो रहा है 0.1 रुपीज का लॉस हो गया। तो 0.1 रुपीज का जो लॉस हुआ वो कितने पे, 2.5 पे हुआ। तो आप लॉस परसेंटेज जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, लॉस परसेंटेज 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5
इंटू 100, तो 0.1 इंटू 2.5, तो ये पॉइंट हट जाएगा दोनों में, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम्स, तो आपका कितना आया 4%। अब ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड हुआ। ट्रेडिशनल मेथड एग्जाम में आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या होगा? तो आइए हम लोग अब शॉर्टकट टेक्निक देखेंगे कि कैसे शॉर्टकट टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड टू है, सेकेंड मेथड है। तो सेकेंड मेथड में हम लोग ये देख रहे हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम लोग का पहले वाला फॉर्मेट था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कुछ नहीं सोचना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस लिखना है, यहाँ पे नंबर्स लिख देने हैं। अब देखिए कितने पेन है, 6 पेन, तो यहाँ पे 6 लिख दिए, यहाँ पे कितने पेन है, 5 लिख दिया, यहाँ पे कॉस्टिंग में 6 पेन का जो कॉस्टिंग था वो कितना था 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे कितना था सेलिंग प्राइस में 12 लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई, तो 15 5 75 हो गया और 12 6 72 हो गया। अब देखिए कितने का लॉस हो गया, तो लॉस आपको दिख रहा है, लॉस हो गया 3 का, 3 का लॉस कितने पे हुआ 75 पे, तो लॉस परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे तो कितना हो गया 3/75 इंटू 100, तो 3/75 इंटू 100 करेंगे तो देखिए ये भी कैलकुलेशन होगा 1/25, 25 से 100 को कैंसिल 4 टाइम्स, दैट इज 4% का आपको क्या हो गया लॉस हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं दिया जाता है, और जब दिया जाता है तो ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट जो हैं गलती कर बैठते हैं और नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, रोहन बाय 15 एग्स एट रुपीज 24 एंड सोल्ड 1 dozen एग्स एट रुपीज 18, इफ ही इनकर्ड अ टोटल लॉस ऑफ रुपीज 45 देन हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। बोला गया रोहन 15 अंडे 24 रुपये की दर से खरीदकर 1 dozen अंडे 18 रुपये की दर से बेचता है, यदि उसे कुल 45 रुपये हानि हुआ तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो देखिए अब पहले के क्वेश्चन में अभी के क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये तो आपको पता चल रहा होगा। पहले के क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल जो क्वांटिटी था वो टोटल क्वांटिटी कितना एक्स का था, ये कैलकुलेट करना है। तो सेम तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सीपी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे एसपी लिख ले रहे हैं, हमारा फॉर्मेट हमेशा वही रहेगा, सीपी और एसपी लिख लिए, यहाँ पे आपको नंबर्स लिख लेना है, यहाँ पे कॉस्ट लिख लेना है। तो अब नंबर्स में देखिए कितने एक्स हैं, 15x, तो यहाँ पे 15 लिख लेना है, यहाँ पे कितने एक्स हैं, तो देखिए 1 dozen बोला गया, 1 dozen दैट इज कितना होता है 12 pieces होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है 12 pieces लिख लेना है, यहाँ पे कॉस्टिंग में कितना है 24, तो 24 लिख लेना है, यहाँ पे कॉस्ट में कितना है 18, तो यहाँ पे 18 लिख लेना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई, अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 24 इंटू 12 आपका 288 रुपीज हो जाएगा और 18 इंटू 15 हो जाएगा 270 रुपीज। अब देखिए लॉस यहाँ से कितने का हो रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है आपका 18 रुपये का, 18 रुपीज का। और देखिए अब सवाल ये उठता है कि हमने यदि 12 और 15 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मीनिंग कि ये जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कितने होंगे 12 × 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू कितना आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा होगा 180। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब 180x खरीद कर उसको बेच दिया जाएगा तो इस रेट से जो दिया गया है तो 18 रुपीज का लॉस होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 18 रुपीज का, रुपीज 18 लॉस हो रहा है 180x पे, तो हमें बताना है रुपीज 45 कितने पे लॉस होगा, तो इसका कितना टाइम्स है, तो 10 टाइम्स, तो 45 का 10 टाइम्स कर देंगे, तो 45 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा 450x, तो 450x आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, यदि नहीं हुआ तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज का सेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा गया, सुनीता बाई 2 types ऑफ हेयर क्लिप्स, सी बाई 1st type ऑफ हेयर क्लिप्स एट 5% एट 5 for rupees 8 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ अदर एट 4 for rupees 10, सी मिक्स देम एंड सोल्ड एट 6 for rupees 12, इफ सी मेड अ नेट लॉस ऑफ rupees 36 देन हाउ मेनी हेयर क्लिप्स डिड सी बाई। देखिए बोला गया है सुनीता 2 प्रकार के बालों के क्लिप्स खरीदती है, वह पहले प्रकार के क्लिप्स 8 रुपया की दर से यानी 5
जब 8 रुपया में 5 की दर से तथा दूसरे प्रकार के उतने ही 10 रुपया की 10 रुपया के 4 की दर से खरीदती है, वह दोनों को मिलाकर 12 रुपया के 6 की दर से बेच देती है। यदि उसने कुल 36 रुपये हानि किया तो उसने कुल कितने क्लिप्स खरीदे थे? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, पहले और अभी के पार्ट में आपको समझ में आया कि पहले के पार्ट में वहां पे सिंगल क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ पे दो पार्ट है और दो को मिक्स कर दिया गया है और मिक्स करके एक सिंगल रेट से बेचा जा रहा है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो सीपी वाले पोर्शन को लिख लेते हैं, फिर एसपी वाले पोर्शन को लिख लेते हैं। सीपी वाला पोर्शन अपना कितना है, देखिए यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं, नंबर्स और कॉस्ट। तो सीपी वाले पोर्शन में देखिए नंबर्स पहले कितना था, 5 और 8, तो 5 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 लिख देते हैं। सेकंड कितना था, 4 एंड ₹10, तो 4 एंड 10 लिख देते हैं। थर्ड सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस में कितना था, 6 एंड 12, तो यहाँ पे 6 एंड 12 लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 6, 4 एंड 5। एलसीएम ऑफ 6, 4 एंड 5 कितना होगा, एलसीएम ऑफ 6, 4 एंड 5, तो ऑफ कोर्स ये कितना होगा, 60 होगा, तो हम लोग 60 पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यदि 5 यदि हम लोग बोले 5 हेयर क्लिप्स 8 रुपये का मिल रहा है, तो यदि हम 60 कैलकुलेट करते, यदि 60 हेयर क्लिप्स की बात करते तो 60 हेयर क्लिप्स कितने का खरीदते, देखिए 5 का कितना टाइम्स है, 12 टाइम्स है, तो यहाँ 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 एट जाए कितना हो गया, 96। अब देखिए यहाँ पे दूसरे टाइप का भी यदि 60 खरीदते, क्योंकि इक्वल बोला गया तो 60 खरीदते, तो ये अभी इसका कितना टाइम्स है, 15 टाइम्स, तो 10 का 15 टाइम्स कर दीजिए, तो कितना हो गया, 150। दैट इज ये बोल सकते हैं कि जो आपका नेट कॉस्ट प्राइस आया दोनों को मिलाकर, ये हो गया 2, 4, 6 रुपीज। अब देखिए 60 प्लस 60 कितना होता है, इन दोनों को ऐड कीजिए जरा, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 120। तो इसका मीनिंग हुआ कि 120 यहाँ पे सेल करेगा तो 120 सेल कर देगा, तो 120 सेल करेगा तो इसका कितना टाइम्स है, तो इसका 20 टाइम्स है, 6 का 20 टाइम्स है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 240। अब देखिए प्रॉफिट 246 रुपये का खरीद कर 240 रुपये का सुनिता टोटल बेची हुई है, तो इसका मीनिंग लॉस कितने का हुआ, तो इसका मीनिंग लॉस हो गया आपको कितने रुपये का, ₹6 का, यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉस ₹6 का, कितने पे, तो 120 पे, तो हम लोग यही लिख सकते हैं ₹6 लॉस होगा, ₹6 लॉस होगा कितने पे, 120 पे। तो हमें बताया गया है, देखिए क्वेश्चन बोला गया ₹36 लॉस हो रहा है, तो ₹36 यदि लॉस हो तो कितना टाइम्स है इसका, देखिए 6 टाइम्स है, तो इसका 6 टाइम्स कर देंगे, 12 का 6 टाइम्स, 120 का 6 टाइम्स, तो 120 का 6 टाइम्स कितना होता है, 720। तो इसका मीनिंग हुआ कि टोटल सुनीता जो है वो टोटल 720 हेयर क्लिप्स यदि खरीद कर दोनों डेट से टोटल 720 हेयर क्लिप्स खरीदेगी और बेचेगी, तो उसे 36 रुपीज का उसे लॉस होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा, कंसेप्ट ऑफ डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर मतलब क्या होता है, बेईमान यदि कोई व्यापारी है तो वो कैसे चीजों को डील करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नेट गेन परसेंट क्या होता है, नेट गेन परसेंट होता है एरर बाय ट्रू वेट माइनस एरर इनटू 100। ये हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, क्योंकि इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तो ये है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर चीट्स डीलर एज वेल एज अ कस्टमर ईच बाय 20% while buying and selling the article, then find the net profit made by him. बोला गया एक बेईमान दुकानदार व्यापारी तथा ग्राहक प्रत्येक से 20% खरीदते और बेचते समय बेईमानी करता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, तो वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है ये बताना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी डिसऑनेस्ट डीलर के टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें लॉस होने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए तो हम लोग कुछ इसको ऐसा समझेंगे, ये डीलर है और सॉरी इसको हम लोग कुछ ऐसे समझ रहे हैं, इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये जो है शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, यहां डीलर है, ये डीलर और ये जो है ये कस्टमर है। अब सिचुएशन क्या है देखिए, अब सोचिए कि ये डीलर शॉपकीपर के साथ क्या करे, डीलर ये शॉपकीपर जो है डीलर के साथ क्या करेगा और इस कस्टमर के साथ क्या करेगा। यदि मैं क्वांटिटी में बात करूं,
क्वांटिटी में बात करूं तो इसका अर्थ ये हुआ, यदि डीलर को चीट करेगा 20%, तो यदि इसको 100 ग्राम खरीदना होगा, 100 ग्राम से यदि हम अज्यूम करें कि 100 ग्राम खरीदना होगा और डीलर से ये चीटिंग करेगा तो 120 ग्राम खरीदेगा। क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं। अब देखिए, यदि यही कस्टमर को देगा तो 100 ग्राम की जगह पे कितना देगा, 80 ग्राम देगा। देखिए यहां पे इसको क्या किया, प्लस, और यहां पे क्या हुआ, माइनस। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही गलती करते हैं बच्चे एग्जाम में ज्यादा। तो अब देखिए, जब इसको आप देख रहे हैं तो अब यहाँ पे तो कॉस्टिंग हम लोग सेम ले लेते हैं, कॉस्टिंग 1:1 ले लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, इंटू 80 और इंटू 120। तो इसका मीनिंग हुआ 80 रुपीज और यहाँ पे हो गया 120। अब बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप बोलेंगे प्रॉफिट हुआ कितने का, 40 का। कितने रुपये पे, 80 रुपये पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या बना, प्रॉफिट परसेंटेज बना 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। तो 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करेंगे तो 1/2 हो गया। 1/2 का मीनिंग क्या होता है, 50%। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज कितना बनेगा, 50% का नेट प्रॉफिट बनेगा। तो ये चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोई भी दुकानदार यदि किसी डीलर को चीट करता है तो वो हमेशा क्वांटिटी में ज्यादा लेगा, और जब किसी कस्टमर को चीट करेगा तो क्या करेगा, क्वांटिटी हमेशा कम देगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन में गलती करने की कोई संभावना ही नहीं है। और देखिए, मैंने पूरा जो पैटर्न फॉलो किया है वो पहले वाला ही पैटर्न फॉलो किया है, कोई नया पैटर्न नहीं फॉलो किया है, आपको बहुत इजी तरीके से समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ अ केजी। फाइंड द गेन ऑफ हिज डिसऑनेस्ट ऑफ दिस डिसऑनेस्ट पर्सन इन परसेंटेज। बोला गया एक बेमान व्यापारी एक निश्चित यह निश्चय किया कि वह लागत मूल्य पर वस्तु बेचेगा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का वजन उपयोग करेगा। उस बेमान व्यापारी ने कितने लाभ कमाए, प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत बताने। तो अब ठीक उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो मैंने जो फॉर्मूला बताया वो आप सॉल्व कर सकते हैं, कि फॉर्मूला मैंने बताया नेट गेन परसेंटेज, अभी हमने बताया था नेट गेन परसेंटेज, तो वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए 800 ग्राम दे रहा है तो इसका मतलब 200 ग्राम का उसने क्या किया, एरर हो गया, और 1000 में से 200 ग्राम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 800 ग्राम इंटू 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज पता चल जाएगा। तो ये 1/4 हो गया, 1/4 मीन्स 25%, ये आपका आंसर हो गया। एक तो हमने जो नेट गेन परसेंटेज का फॉर्मूला अभी दिखाया था उसमें आप देख सकते हैं। तो यदि आपको वो फॉर्मूला नहीं याद है तो थोड़ा पीछे जाइएगा, वीडियो को पीछे ले जाइएगा और पीछे ले जाकर उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग कुछ ऐसे समझें कि 800 ग्राम, तो यहाँ पे हम लोग सीपी और एसपी की बात करें तो बेच रहा है सीपी और एसपी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो खरीद रहा था कितना, 800 ग्राम खरीद रहा था कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम 1 केजी, और बेच रहा है कितना, 800 ग्राम। और ये क्वांटिटी है, यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी है, यहाँ पे कॉस्ट की बात कर लें। अब कॉस्ट सेम बोला गया तो 1:1 ले सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 800 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 800 ग्राम, यहाँ पे हुआ 1000 ग्राम। अब बताइए कितने ग्राम का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 200 का प्रॉफिट हो गया, 200 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 800 रुपये पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना क्या आसान नहीं है, तो 200 डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर देंगे, 800 कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100 करेंगे तो होगा 1/4। 1/4 कितना हो गया, 25%। तो देखिए आपको कौन सा मेथड पसंद आया, ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप लोग कमेंट में कुछ लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इससे और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन ये है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हु क्लेम्स दैट ही सेल अ सर्टेन प्रोडक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹23 पर केजी विच एक्चुअली कॉस्ट हिम ₹25 पर केजी। बोल रहा है कि देखिए एक बेईमान दुकानदार है जो दावा करता है कि जो चीज ₹25 पर केजी, जिसकी वास्तविक कीमत ₹25 पर केजी है, उसको ₹23 प्रति किलोग्राम की लागत से वो बेच रहा है। वो क्यों कर रहा है, द शॉपकीपर से दैट ही इज टेकिंग द लॉस टू लेट हिज कस्टमर गेट बेटर डील इन COVID-19। वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि COVID-19 में कस्टमर को बेटर अच्छे खरीदारी कर पाए, इसलिए बेहतर सौदे के लिए वो ऐसा कर रहा है। बट हुआ क्या, देखिए
When examined thoroughly by a policeman, it was found that the shopkeeper was actually using 800 grams weight in place of one kg weight. बोला जा रहा क्या, जब एक पुलिसमैन ने जब इसको जांच किया तो ये पाया कि वो दुकानदार 1 kg की जगह पे 800 ग्राम यूज कर रहा है, तो उसे लॉस हुआ, डज ही गेन और लॉस, उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यदि है तो कितना, सो हाउ मच, यदि हाँ तो कितना। तो अब देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन तो ये है कि 25 रुपये का सामान को 23 रुपये में बेच रहा है, तो 25 रुपये पर केजी के सामान को ₹25 पर केजी यदि आपका सीपी है, ये सीपी है, और एसपी बोल दिया जाए कि एसपी है आपका, एसपी है, ये है ₹23 पर केजी, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप कितना निकालेंगे, 2/25 × 100, तो ये कितना परसेंट निकल के आएगा, तो 8%। तो ये कैलकुलेट कर लीजिए कि सर ये 8% आएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन के हिसाब से देखें, 800 ग्राम्स 1 kg की जगह पे वेट कर रहा है, तो यहाँ पे दूसरे कंडीशन में नेट गेन कितना होगा, तो दूसरे कंडीशन में नेट गेन या नेट प्रॉफिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 200 / 800 × 100, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 का मीनिंग होता है 25%। तो देखिए यहाँ पे सॉरी ये जो है उसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना है, 8% का लॉस हुआ, यहाँ पे गेन कितना हुआ है, 25% का गेन हुआ है। अब देखिए इन दोनों को हमें कंबाइन करना पड़ेगा तब उसे नेट गेन या प्रॉफिट पता चलेगा, यानी दोनों ही कंडीशन में तो सेटिस्फाई कर रहा है, अब दोनों कंडीशन में कितना टोटल उसको नेट कितना निकल के आएगा, तो इसके लिए यदि हम इस पूरे को, इस लॉस को और इस प्रॉफिट को हम लोग कुछ ऐसा लिखें, इसको हम लोग एक्स समझ लें और इसको वाई समझ लें, तो हम लोग नेट एक फॉर्मूला जानते हैं कि नेट चेंजेज इन परसेंटेज, ये हमने परसेंटेज में डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब इसके लिए क्या होता है, इतना परसेंट होगा, अब इसके लिए गेन के लिए निगेटिव साइन यूज करते हैं और प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव, तो हम लोग ऐसा लिखें -8 + 25 + यहाँ पे लिखेंगे -8 × 25/100, तो अब देखिए कितना हो गया, 25 - 8 करेंगे तो ये हो गया 17 + 17, और ये कितना आ गया -2, तो 17 - 2 कितना हो गया 15%। तो देखिए नेट उसको जो गेन हो रहा है, अब ये क्या है पॉजिटिव, तो ये नेट गेन उसका, इसका अर्थ हुआ कि 15% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो 15% नेट उसको प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, खासकर SSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आज के सेशन का ये 9वां क्वेश्चन था, नेक्स्ट जो होगा लास्ट क्वेश्चन होगा 10th नंबर क्वेश्चन। अ शॉपकीपर क्लेम दैट ही इज सेलिंग शुगर एट ₹20 per kg विच कॉस्ट हिम ₹25 per kg, बट ही इज गिविंग 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ पर केजी, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द शॉपकीपर। एक दुकानदार का दावा है कि वह 20 रुपये किलो के हिसाब से चीनी बेच रहा है जिसकी वास्तविक कीमत 25 रुपया किलो है, लेकिन वह 1 किलो के बदले 800 ग्राम दे रहा है, दुकानदार का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए दोनों ही कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाई हो, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो अब देखिए जब बोला जा रहा है कि जिसका सीपी जो कॉस्ट पड़ रहा है, जो यहाँ पे कॉस्ट सीपी की बात करें, सीपी पड़ रहा है ₹25 per kg, एसपी पड़ रहा है हमें, एसपी कितना पड़ रहा है दुकानदार को, 20 per kg, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज कितना लिखेंगे, देखिए 5 रुपीज का लॉस हुआ, तो 5 by 25 into 100 करेंगे तो आपका कितना परसेंट आ जाएगा, यह आ जाएगा 20%। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये देखिए 1/5 हो जाएगा, तो 20% लॉस हुआ। दूसरे में देखिए यहाँ पे उसको गेन हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, दूसरे तरीके में देखिए तो नेट गेन यहाँ पे हो रहा है, गेन उसको हो रहा है कितने परसेंट का, तो गेन हो रहा है आपका 200 / देखिए यहाँ पे 1 kg कहने का मीन कितना हुआ, 1000 ग्राम्स, तो यहाँ पे देख लीजिए 200 ग्राम्स का डिफरेंस हो गया, तो 200 ग्राम्स का जब डिफरेंस हो गया तो हम लोग 200 / 800 लिखेंगे, 800 × 100,
तो ये परसेंटेज कितना बनेगा, से 1/4, 1/4 कितना हो गया, तो 25%, 25%। अब देखिए इसको यदि एक्स समझ लिया जाए और इसको वाई समझ लिया जाए तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो नेट प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव होगा, लॉस के लिए नेगेटिव, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये परसेंटेज लिखेंगे। तो एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे, -20, प्लस वाई की जगह पे 20 प्लस 25, फिर प्लस यहाँ पे -20 इंटू 25/100। तो अब देखिए -20 और +25, तो ये टोटल वैल्यू जो हो गया, ये टोटल जो वैल्यू हो गया दोनों, +5%, +5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 500/100 होगा, तो ये -5, +5 और -5 कितना हो गया, 0%। दैट इज हम बोल सकते हैं कि नाइदर गेन नॉर लॉस, नाइदर गेन नॉर लॉस। तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं और हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि और भी वीडियो बनाने के लिए, और आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको नए वीडियो जो भी मैं बनाऊँ वो आपको मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। यदि आपके कोई भी डाउट हैं तो आप classtplus@gmail.com पे भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ।